नागपुर के जामा मस्जिद मोमिनपुरा में ओपन स्कूल खोली गई है, जिसमें बच्चे 17 नंबर का फॉर्म भर के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और उन्हें पढ़ाया भी जा रहा है। आपने देखा है कि 22 मार्च 2020 से कंटिन्यू जमीयत उलमाए अपने सराहनीय कामों को लेकर आगे बढ़ते जा रही हैं, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूरी तरह से जनता के सेवा में समर्पित दिखाई दे रहे हैं। हर बार कोई ना कोई ऐसी काम कर जाती है जमीयत उलमा जो के लोगों के दिलों पर राज करने लगी है। जमीयत उलमाए हिंद का एक बहुत ही सराहनीय कदम मोमिनपुरा के जामा मस्जिद में देखा गया है। हाल ही में एक प्रोग्राम लिया गया है जिसमें डीसीपी मतानी साहब और जयेश भंडारकर और अन्य वरिष्ठ नागरिक वहां उपस्थित थे। ओपन स्कूल खोली गई है जमीयत तरफ से और ये प्रोग्राम को रखा गया था मोमिनपुरा की जामा मस्जिद में। ओपन स्कूल शुरू की गई है, उसमें आयु की कोई बंदिश नहीं है, उम्र की कोई बंदिश नहीं है, कोई भी एडमिशन ले सकता है। क्योंकि हमने देखा कि लॉकडाउन में पूरे स्कूलें कॉलेजेस बंद रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, कॉलेजेस खुल नहीं पाए और इस स्थिति में जमीयत का एक और सराहनीय कदम हमारे सामने आया है। ओपन स्कूल खोला है मोमिनपुरा नागपुर की जामा मस्जिद में, यहाँ से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और सभी तरह की शिक्षा दी जाएगी, कंप्यूटर क्लासेस से लेकर अरबी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी सारी चीज़ों को बच्चों को सिखाया जाएगा ताकि वो माइंड जो है वो रिमाइंड होते रहें और समय आने पर 17 नंबर के फॉर्म देकर वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बिल्कुल सराहनीय कदम है जमीयत उलमा का। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट मोमिनपुरा जामा मस्जिद नागपुर से। आज के इस जलसे के मेहमान होती थी जनाब जय भंडारकर साहब, जनाब तनवीर मिल्ला साहब और दीगर मेहमान। बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ जामा मस्जिद के अंदर एजुकेशन से मुतालिक और फिल्म से मुतालिक जो है ओपनिंग वाली शुरुआत हुई। जमीयत ओपन स्कूल क्या है इसे समझने के लिए पहले हमें NIOS को ये कार्यक्रम 1.5 घंटा कंटिन्यू चलता रहा जिसमें वरिष्ठ नागरिक वहां उपस्थित थे, साथों साथ तहसील पुलिस स्टेशन के जयेश भंडारकर साहब भी वहां मौजूद थे और कई अन्य वरिष्ठ वहां मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी सलाह वहां रखी, राय रखी, स्पष्ट किया कि इस तरह से काम करना चाहिए और काम होते रहेगा। लेकिन जयेश भंडारकर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर होना चाहिए, बड़े लेवल पर होना चाहिए, लेवल पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काम बड़ा है और लोगों को राह दिखाता है, लोगों को दिशा दिखाता है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ TNN 24 न्यूज़ चैनल पर इसी तरह की खबरों को देखने के लिए। रिया शेख के साथ नागपुर महाराष्ट्र से। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली खबर में।